हेलो गाइस, तो आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक ऐसा जानवर होता है जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम साल 1980 और 90 का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों को मैक्सिको के इलाके में कुछ अनजान जानवरों के पाए जाने का सबूत मिला था। और ये बात सच है या गलत, ये हम आगे मूवी में जानेंगे। अब हम मैक्सिको की एक गुफा में एक अमेरिकन रिसर्च टीम को देखते हैं, जिस टीम को अमेरिकन वैज्ञानिक रिचर्ड लीड कर रहा था। तभी उसका एक वर्कर उसके पास दौड़ते हुए आता है और बताता है कि उन्हें वो जानवर मिल गया और हमें मिली जानकारी बिल्कुल सही थी। अब रिचर्ड अपने लोगों के साथ उस जानवर के पास जाता है, जिस जानवर का नाम उनकी भाषा में चितकबरा था। यहाँ पर ये जानवर एक छोटा बच्चा था। अब रिचर्ड ने उसको ढूंढने में काफी साल लगा दिए थे और आखिर में उसका मिशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए वो उस जानवर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। यहाँ पर उसकी इस रिसर्च में कई लोगों ने अपना पैसा भी लगाया था। अब समय आ गया था सबको सच का सामना कराने का, लेकिन इससे पहले रिचर्ड उस जानवर को अपने साथ लेकर जाता। वहाँ पर उस जानवर की माँ आ जाती है और वो इन लोगों पर हमला कर देती है। रिचर्ड को वो धक्का देकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर वो लोग फ्लायर गन से उस माँ के पंख को जख्मी कर देते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकती और अब वो भागने लगती है। रिचर्ड भी अपनी पूरी टीम के साथ उसका पीछा कर रहा था, वो हर हालत में उसको पकड़ना चाहता था। भागते भागते वो जानवर एक गाड़ी से भी टकरा जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होता और माँ जख्मी हो जाती है। अब माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक जगह पर छुपा देती है और खुद रिचर्ड के सामने आ जाती है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ आ सके। अब रिचर्ड उसका पीछा तो करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब सीन शिफ्ट होता है एलेक्स की तरफ, जो इस मूवी का लीड रोल था। यहाँ पर एक लड़का उसको परेशान कर रहा था, इसलिए वो खुश नहीं था। अब वो घर आता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स को स्पेनिश और मैक्सिको लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए उसका अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से बाकी बच्चे उसे परेशान किया करते थे। एलेक्स के पिता कैंसर से मर गए थे। यहाँ पर एलेक्स के पूर्वजों का घर मैक्सिको में है, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि एलेक्स कुछ दिन मैक्सिको में अपने दादाजी के पास बिताए। अब एलेक्स का मैक्सिको जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसकी माँ के फोर्स करने पर उसे वहाँ जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर उसके दादा उसे लेने आते हैं, जो हरकतों से बहुत ही मजाकिया थे, और उनका नाम डेवियन है। रास्ते में डेवियन को पता चलता है कि एलेक्स अपने पिता को खोने के बाद काफी दुखी रहता है। डेवियन घर आने के बाद एलेक्स को उसके कजन से मिलवाता है। अब हमको पता चलता है कि डेवियन अपने जमाने में एक रेसलर था, जो काफी मशहूर भी था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे अपने रेसलिंग करियर को छोड़ना पड़ा और उसी एक्सीडेंट से वो कई बार सब कुछ भूल जाता है। एलेक्स की कजन लूना भी यहाँ पर आई थी, जो गिटार बजाने की शौकीन थी। अब सीन शिफ्ट होता है रात को। यहाँ पर एलेक्स को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ उसे डेवियन नजर आता है, जो फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है। अब एलेक्स भी चुपके से उसके पीछे जाता है। यहाँ पर एलेक्स देखता है कि उसके दादाजी एक म्यूजिक बॉक्स लिए हैं और वहाँ पर बैठे हैं, जो कि किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब एलेक्स को झाड़ियों में कोई चीज नजर आती है। अब वो इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। चीख सुनकर डेवियन और एलेक्स के कजन्स वहाँ पर आते हैं। फिर वो सभी झाड़ियों में गौर से देखने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा प्यारा सा खरगोश निकलता है। फिर एलेक्स के कजन्स एलेक्स पर हंसने लगते हैं कि वो कितना डरपोक है। दूसरी तरफ रिचर्ड को ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे कि ये उसकी आखिरी वार्निंग है और वो जल्द से जल्द अपनी रिसर्च खत्म करे। सरकार उसके ऊपर और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, और अगर उसने जल्द ही कोई सबूत नहीं दिखाया तो उसका प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने ऊपर उसी चितकबरा को पाता है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में रिचर्ड ने ढूंढा था। यहाँ पर एलेक्स उसे देखकर डर जाता है, लेकिन चितकबरा एलेक्स से और भी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। अब चितकबरा बाहर भाग जाता है। फिर एलेक्स लूना को देखता है, जो कि हेडफोन्स लगाई थी
थी और उसने भी कुछ नहीं सुना। यहाँ पर एलेक्स खुद को पागल साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लूना से कुछ नहीं बताता। फिर लूना बताती है कि दादाजी गायब हैं और हमें उन्हें ढूंढना होगा। फिर ये लोग दादाजी को ढूंढने के लिए मार्केट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें डेवियन नहीं मिलता। वापस आते समय रास्ते में वो डेवियन को देखते हैं और उसके पास एक बकरी थी, लेकिन यहाँ पर डेवियन को कुछ भी याद नहीं था। फिर बच्चों को देखकर डेवियन को सब कुछ याद आ जाता है और वो उनके साथ घर चला आता है। अब रात को एलेक्स म्यूजिक बॉक्स लेकर फार्म हाउस में जाता है और वहाँ पर गाना सुनने लगता है और गाना सुनकर चितकबरा बाहर आ जाता है। और फिर उसकी हरकतों को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर एलेक्स चितकबरा के खाने के लिए कुछ मांस लाता है। ये जानवर काफी समझदार था, इसलिए वो एलेक्स के लिए भी मांस के बदले मरा हुआ चूहा लाया था, लेकिन एलेक्स तो उसे खाने नहीं वाला। फिर यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और चितकबरा बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर डरने लगता है। फिर एलेक्स उसे सहारा देता है और फिर इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह बाकी बच्चों को भी चितकबरा के बारे में पता चल जाता है और ये उसे देखकर काफी डरने लगते हैं। फिर एलेक्स के समझाने पर वो लोग भी चितकबरा से दोस्ती कर लेते हैं। फिर वहाँ पर डेवियन भी आ जाता है जो बताता है कि कुछ दिन पहले मैं रात को गाड़ी चला रहा था तो इसकी माँ मेरी गाड़ी से टकरा गई। उसके बाद जब मैं घर आ रहा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और जब मैंने उन आवाजों का पीछा किया तो मुझे वहाँ पर चितकबरा मिला। फिर मैं इसे घर ले आया और मैंने इसे इसलिए छुपा कर रखा है, कुछ अमेरिकन टीम इसे ढूंढ रही है जो इसे कैद करना चाहती है। अब बच्चे सारी सच्चाई जानने के बाद उस जानवर की देखभाल करने लगे। अब उसी दिन रिचर्ड और उनके साथी डेवियन के घर आते हैं उस चितकबरा के बारे में पूछताछ करने। असल में डेवियन की कार का नंबर प्लेट गिर गया था और रिचर्ड उसी नंबर प्लेट के सहारे इनके घर तक आ पहुंचा। अब रिचर्ड घर की तलाशी लेना चाहता था लेकिन डेवियन उसे बहला फुसला कर वहाँ से भेज देता है। लेकिन रिचर्ड को डेवियन की बातों पर शक हो जाता है कि हो न हो चितकबरा इन्हीं के घर पर है। अब सभी बच्चे चितकबरा को उड़ना सिखाते हैं लेकिन उसे उड़ना नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे एलेक्स चितकबरा को अपने साथ रहना उठना बैठना सिखाता था। एलेक्स को भी धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। फिर डेवियन एलेक्स को उसके पिता के बारे में बताते हैं कि जब मेरी रेसलिंग छूट गई तब मैंने तुम्हारे डैड को रेसलिंग सिखाई, वो मेरा होनहार लड़का था और फिर उसे तुम्हारी माँ मिल गई और तुम्हारी माँ से शादी करने के बाद उसने हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़ दी। अब एलेक्स को अपने पिता की बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। फिर डेवियन समझ जाता है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। फिर डेवियन एलेक्स का गुस्सा उतारने के लिए उसके साथ कुश्ती लड़ता है। यहाँ पर डेवियन जानता था कि कुश्ती लड़ने से शायद एलेक्स का गुस्सा बाहर आ सके, लेकिन एलेक्स डेवियन की बातें नहीं मान रहा था। फिर लास्ट में एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दादाजी को धक्का दे देता है जिससे डेवियन रिंग के बाहर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर आता है जो बताता है कि डेवियन कुछ समय के लिए अपनी यादाश्त खो चुका है। फिर उसी दिन रिचर्ड आ जाता है जो फार्म हाउस में चितकबरा को ढूंढ लेता है। फिर वो चितकबरा को बेहोश कर देता है। बच्चे उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो रिचर्ड से कहां जीतने वाले। अब ये देखकर एलेक्स दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें सब बता देता है कि रिचर्ड चितकबरा को लेकर जाने वाला है। अब डेवियन अपना रेसलिंग वाला कॉस्ट्यूम पहनकर रिचर्ड के सामने आ जाता है। फिर वो रिचर्ड को मार मार के धूल चटा देता है। उसके बाद वो लोग रिचर्ड की कार चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। डेवियन चितकबरा को उसके घर वालों के पास छोड़ना चाहता था। फिर एलेक्स डेवियन से पूछता है कि उसने चितकबरा की माँ को किस दिशा में जाते हुए देखा था, लेकिन डेवियन को सही से कुछ याद नहीं था। अब ये लोग चितकबरा को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। फिर चितकबरा एक दिशा में भागने लगता है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि उसे अपने घर का रास्ता याद आ गया है। आगे जाकर ये लोग एक गहरी खाई के पास पहुँचते हैं, लेकिन चितकबरा को उड़ना नहीं आता था इसलिए वो एक पाइप के सहारे आगे जाने लगता है। इतने में ही एक शेर आ जाता है जो एलेक्स के ऊपर हमला करने वाला था। फिर एलेक्स शेर से बचने के लिए पाइप पर चढ़ जाता है। ये देखकर डेवियन शेर को वहाँ से भगा देता है, लेकिन एलेक्स के वापस आते समय वो पाइप टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिरने लगता है। फिर यहाँ पर चितकबरा आ जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वो यहाँ पर उड़ रहा था। फिर वो एलेक्स को भी बचा लेता है। अब चितकबरा को उड़ता देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। फिर वो चितकबरा को गोली मारकर बेहोश
कर देता है और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखने लगता है। और जैसे ही वो जाने लगता है, उस चितकबरा की माँ और उसकी फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जो रिचर्ड की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो रिचर्ड की गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। डेवियन और बच्चे ये सब देखकर काफी खुश थे। अब रिचर्ड चितकबरा को हाथ में ले लेता है और बाकी जानवरों को डराने लगता है। तभी वहाँ पर डेवियन आ जाता है और रिचर्ड से चितकबरा को छुड़ा लेता है और अपने दांव पेच से रिचर्ड को वहीं पर मारने लगता है। उसके बाद चितकबरा अपने फैमिली मेंबर से मिलकर काफी खुश था। अब एलेक्स उसे अलविदा कहता है और दोनों अपनी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। अब एलेक्स को अपने घर जाना था। उसने अपने कजन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब वो अपने दादाजी से कहता है कि उसे उनके साथ बिताया हर पल हमेशा याद रहेगा। अब डेवियन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो एलेक्स को गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। फिर एलेक्स प्लेन में चला जाता है। फिर एलेक्स शीशे से बाहर देखता है तो वहाँ पर चितकबरा भी उसे बाय करने के लिए आया था। और चितकबरा को दिखाते हुए ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।